इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांका आदित्य सिंह राजावत और अब खबरों को देते हैं विस्तार। आज के दौर में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की लहर काफी तेजी से दौड़ रही है, वहीं गंज वासुदा शहर के पास नटेरन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लाल गांव के छोटे छोटे बच्चों के लिए आज तक सरकार ने आंगनवाड़ी नहीं खोली है और अन्य गाँवों की अपेक्षा इस गाँव में विकास भी नहीं हुआ है। यहाँ ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने बच्चों के लिए अधिकारियों से कई बार आंगनवाड़ी खुल जाने की मांग की है। ना जहाँ आंगनवाड़ी है 70 साल से, ना लाट की कोई समस्या है, गोदरेज लाट है नहीं है, पंप वाली लाट है, 10 घंटा आता है, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, ना पानी आता है। अच्छा, फिर आपने शासन को अवगत नहीं कराया कि यहाँ पर कोई सब कर दिया है, नटेरन में भी दिया है, आवेदन भी लगा दे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, रमजान के पवित्र माह के समापन पर नगर के ईदगाह पर नवाज के साथ गले मिलकर ईद मनाई गई। इस खुशी के अवसर पर शासकीय अमला भी कानून व्यवस्था के लिए उपस्थित रहा। पगना तहसीलदार राधा महंत, SDM TI मोहन सिंगौरे अपनी टीम के साथ ईदगाह पर उपस्थित रहे। रमजान महीने के बाद बुधवार को ईद के पर्व पर गंजवासोदा ईदगाह पर सुबह ईद की नमाज अदा की गई। मुबारकबाद देने के लिए यहां वासुदा के पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन, SDM प्रकाश नायक, कोतवाली TI प्रकाश शर्मा, देहात थाना प्रभारी ब्रजेश भार्गव सहित शहर के जनप्रतिनिधि पहुंचे। ईद जो है रमजान के महीने के 30 रोजे रखने के बाद बनाई जाती है और यह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इस एतबार से बस्ती से बाहर निकलकर लोग ईद की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद पूरी बस्ती के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बस्ती में अमन व सलामती कायम फरमाए, इत्तेफाक और भाईचारे से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। सब के सब लोग यही यहाँ आकर यही दुआ करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देकर गले मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।